वॉट इज एवरेज स्पीड इन माइल्स पर आवर ऑफ अ फ्लेम दैट कवर 120 माइल्स इन 1 मोमेंट. देखो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस 120 है, टाइम है 1 ओवर 20 मिनट. 1 ओवर 20 मिनट का अलग है 60 प्लस 20 80 मिनट. अब मिनट को और ओवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा. अब देखो होगा क्या, 120 और 80 कटेंगे, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2. देखो ना पहले 0 0 कट गए, फिर ये 4 के डबल्स है. फिर क्या करूँ, मैथ्स के रूल के तहत ये नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाती है. 60 कट जाएगा 2 से, तो यहाँ बचा 30. 3 30 90, यानी 90 बेसिकली क्या आ रही है, आपकी स्पीड आ रही है. ओके बेटा देखो एप्टीट्यूड टेस्ट में सवाल बड़े कॉम्प्लिकेटेड आते हैं. जैसा कि यही सवाल है कि मैन रीच हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम 40 मिनट टू लेट, 40 मिनट लेट पहुँचा. उसके बाद क्या है, इफ़ ही वॉक्स एट 3 किलोमीटर एन आवर एंड 30 मिनट्स टू सून, यानी कि अगर वो स्पीड उसकी 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो 40 मिनट लेट पहुंच रहा है. लेकिन उसने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ा ली 4 किलोमीटर पर आवर गई, तो उल्टा मसला आ रहा है कि 30 मिनट सून पहुँच रहा है, अर्ली पहुँच रहा है. तो पता उसका ऑफिस उसके घर से कितने फासले पे है, ये सवाल है. तो बड़ा अच्छा है, डी अपॉन स्लीवर स्पीड माइनस डी अपॉन फास्टर स्पीड इक्वल टू T1 प्लस T2. और जाहिर है स्लोअर स्पीड 3 है, फास्टर 4 है, यहाँ पुट कर देंगे, एलसीएम लेंगे 4D माइनस 3D, ठीक है, और ये चीज़ हो जाएगी. टाइम में T1 प्लस T2 क्यों आ रहा है, सुन लो, क्योंकि एक लेट एक सून है. अगर दोनों सून या दोनों लेट आएंगे तो यहाँ याद रखो प्लस के बजाय माइनस का साइन होगा, हमेशा अपोजिट में प्लस का साइन होता है, ये बात हमें पता है. अब देखो 30 प्लस 40 70 हो गए, एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 4D ये 3D, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 3 4 12, 4D माइनस 3D D, और ये 12 जो इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा. अब देखो 0 0 कटे, 12 को 6 से काटो 2 आता है, और 7 2 14, आंसर है 14 किलोमीटर. देखिए बेटा बड़ा अच्छा सवाल है, मैन रीचेस हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम 15 मिनट टू लेट इफ़ ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर एन आवर 10 मिनट सून. मतलब अगर ये 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, अगर इसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, और अगर इसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 मिनट अर्ली पहुँच रहा है. वैसे ही सवाल है, हाफ आवर इज ऑफिस, वही सेम ट्रिक, डी अपॉन स्लोअर स्पीड माइनस डी अपॉन फास्टर स्पीड इक्वल टू T1 प्लस T2. फिर वही बात कि एक अर्ली एक लेट है, तो भाई हम ऐसे ही करेंगे. अब 4 और 6 का LCM 12 आता है, भाई जिन्हें LCM लेना नहीं आता उनको अलग से सिखाता हूँ. अब ये देखो, ये आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 12 को आप डिवाइड करो 4 से तो 3D, 12 को डिवाइड करो 6 से तो 4D, अब 2D बन गया, सॉरी 2D की बस. तो ये हो गया, और टाइम आपका 10 और 15 मिनट है, इनको प्लस कर दो तो 25 अपॉन 60, ये 12 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, फाइनल आंसर आ जाएगा. जी बेटा, एट एन एवरेज रेट ऑफ 30 माइल पर आवर, हाउ फेयर आई कैन गो इन 2 मिनट. तो स्पीड 30 माइल पर आवर है, टाइम 2 मिनट, 2 मिनट का लव है, आवर में क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 60, यानी 1 अपॉन 30. तो डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा 1 किलोमीटर. ओके बेटा बड़ा अच्छा सवाल है, फ्रैंक लेफ्ट ऑस्टिन टू ड्राइव टू बॉक्सवेल एट 6:15 PM एंड अराइव एट 11:45 PM. इफ ही एवरेज 30 माइल्स पर आवर एंड स्टॉप 1 आवर फॉर डिनर, हाउ फार इज बॉवेल फ्रॉम ऑस्टिन. फ्रैंक अगर ऑस्टिन ड्राइव कर रहा है ऑस्टिन टू बॉक्सवेल 6:15 PM पे और 11:45 पे पहुंच रहा है, ठीक है, और कह रहे हैं कि स्पीड 30 माइल पर आवर है और 1 घंटा इसने डिनर भी किया, तो बताओ फासला कितना होगा. पहले तो देखो यहाँ फासला कितना है, 5 ओवर 30 मिनट. अब इसमें से 1 ओवर कम कर दो तो रह जाएगा 4 ओवर 30 मिनट. 4 ओवर 30 मिनट यानी 30 मिनट का लव क्या होता है, हाफ ओवर. देखो ना 30 मिनट का हम हाफ ओवर लिख सकते हैं, मैं इसके रूल कहते हैं, हमें पता है दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और फिर ये प्लस होता है, 4 2 9/2. तो टाइम तो आ गया 9/2. डिस्टेंस का फार्मूला बड़ा सिंपल होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो 32 से कटेगा, 15 9 = 135 इज योर आंसर.